जिसने भी कमेंट किया था आग लगा दी उस वाले कमेंट को देख के, बहुत ज़्यादा हंसी आई है और बहुत ज़्यादा फीडबैक फर्स्ट पार्ट के आए हैं। पहले बताते चलें कि निम्सेट एनालिसिस चार्ट का जो पार्ट फर्स्ट जो मैथ्स की हमने एनालिसिस दी थी, बताया था कि ये स्टूडेंट्स ने की है और स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने देखा अप्रिसिएट किया, होने वाला भी था क्योंकि एक्यूरेट। और जो पार्ट सेकेंड अभी हम दिखाने वाले हैं, पार्ट सेकेंड में भी एक आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है निम्सेट के लिए। भाई आप ध्यान दें कि निम्सेट एनालिसिस चार्ट में वही चीज़ें, बस टॉपिक चेंज हुए हैं, सारे रीजनिंग के टॉपिक एक जगह पे हैं। पहले कॉलम में हमने टॉपिक के नेम लिखे, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, प्लॉट एडिशन, सिलॉक, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्लॉक है, कैलेंडर। जैसा कि बताया गया है कि टॉप टू बॉटम आप चलेंगे, तो टॉप पे उस टॉपिक को रखा है जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, उस टॉपिक को टॉप पे रखा है, और बॉटम पे उसको प्रेफरेंस दिए जिसके नंबर आप क्वेश्चंस बाकी टॉपिक के रेफरेंस में कम आए। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट ग्रांड टोटल 117 क्वेश्चंस किसके, पजल्स। बहुत भारी वर्कम, मतलब पजल ही पजल है। तो निम्सेट विदाउट पजल्स कर नहीं सकते, इसका मतलब निम्सेट हमेशा आपसे खेलते हैं, निम्सेट वाले का आदत है खेलना, और पजल्स के मास्टर ही रीजनिंग को कुछ यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। तो पजल आपको करनी है, बट बेसिक सी बात है कि पजल ही पूरी साल करते रहे तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग का पूरा कॉम्बिनेशन किसमें लाते हैं, पजल में, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट एनालिसिस यहाँ पर है। दूसरे टॉपिक जो दूसरा लिया गया, सीटिंग अरेंजमेंट पजल से ही लगभग मिक्स हुआ है, पजल को अपग्रेड कर दिया गया। सीटिंग अरेंजमेंट भी एक टाइप ऑफ पजल्स है, उसके क्वेश्चंस यहाँ देखें 24 हैं। कभी कभी क्या है कि क्वेश्चंस, जैसे कि हम लोग अगर ईयर वाइज देखें तो 15 पजल 2014 और 2010 में यहाँ दिखाई पड़ रही हैं, और 2018 जो अभी हुआ है इसमें भी 14 पजल्स हों, तो मतलब कैसा असर हो गया होगा बच्चों का। 15 क्वेश्चंस जहाँ आ रहे हैं, 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब समझ रहे ना, जब अगर आपको नहीं आती हूँ रीजनिंग तो आप तो बिल्कुल वो सेक्शन हटा ही देंगे। बताते चलें निम्सेट का जो एनालिसिस है, 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 40 आपके रीजनिंग के आते हैं, 10 आपके कंप्यूटर के आ गए, तो 50 40 10 ये आपके मिल गए, होके 100 हो गए, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। रीजनिंग सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, रीजनिंग मतलब लॉजिकल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। तो अभी हम लोग एप्टीट्यूड का पार्ट नहीं ले रहे हैं, एप्टीट्यूड का मतलब है जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चंस, एवरेज के क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम और ट्रेंस के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम मान रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट आगे रहेगा रीजनिंग में। ब्लड रिलेशंस मतलब जो टॉपिक आप यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, इन पार्ट को हम लोग रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी ले रहे हैं। पजल्स में 15 क्वेश्चंस अगर आते हैं, या यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस का इंक्लूड किया है, तो आप जब भी निम्सेट का पैटर्न देखेंगे तो एक पजल अगर आती है उसके साथ साथ उसके कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 या 5 ऐसे होते हैं, तो यहाँ 15 क्वेश्चंस अगर लिए गए यानी कि 5 पजल आई होंगी। तो पजल को अगर देखा जाए तो एक पजल में 5 क्वेश्चंस हैं, यानी एक पजल आप क्रैक करते हैं तो 5 क्वेश्चंस आते हैं। और आपको अगर नंबर कि कैसे वेटेज दिया जाता है, नंबर का वेटेज कैसा है, तो आपको बताते चलें कि 12 नंबर का मैथ्स का क्वेश्चन होता है, 8 नंबर का कंप्यूटर क्वेश्चन होता है, 6 नंबर का पजल का होता है, और 4 नंबर का इंग्लिश। तो अगर एक पजल में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 नंबर की एक पजल हुई। तो यहाँ पर काफ़ी बार 5-5 तक पजल आई हुई हैं। तो देखा जाए कि विदाउट पजल रीजनिंग इम्पॉसिबल कह सकते हैं निम्सेट के लिए। तो सबसे ज़्यादा आपका फोकस होगा पजल पर और पजल टाइप के क्वेश्चंस पे। दूसरा जो उन्होंने टॉपिक लिया है स्कोरिंग टॉपिक, सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी क्वेश्चन जब आता है तो उसके साथ साथ 5-5 क्वेश्चंस इससे एसोसिएट होते हैं, तो ये भी पजल की तरह हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कभी कभी उन्होंने बिल्कुल गायब रखा है, जैसे शुरुआत में सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल गायब है, कहीं कहीं बिल्कुल गायब है, कहीं कहीं 8 क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहे हैं, 5 दिखाई पड़ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि वहां पर 5 या 3 क्वेश्चंस आए होंगे। तो अगर 2 सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ गए तो 5 और 3 8 ऐसे ही एक क्लस्टर में आते हैं। जब आप पेपर, अगर आप निम्सेट का पेपर नहीं देखें तो पेपर उठा के जरूर देखें, उसको एनालिसिस करें, तो आप चार्ट को सही तरीके से समझ पाएंगे। आगे देखते हैं सीरीज 23 क्वेश्चंस आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीलॉक, ऑर्डर रैंकिंग, क्लॉक है, कैलेंडर। आप इसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर लीजिए, इसमें जितना भी बताया जाए इसके लिए अलग से एक पार्ट बनाया जाएगा,
कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से आती है, एक रीजनिंग के प्रॉपर एक सेशन लेंगे। यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए, वो मैट्रिक्स हमने दे दिए, अब इसको बढ़ा चढ़ा के बताएं, वीडियो को लेंथ वाइज ज़्यादा करें तो ये ज़्यादा आपके लिए भी, हमारे लिए भी, तो किसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बट जैसा पहला आपने वीडियो अप्रिसिएट किया था, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब इतने लोग इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, तो मुझे लगा था कि मैं आगे बहुत सीरियस नहीं था, मैंने बोल दिया था कि आगे पार्ट आएंगे, वो बात मेरी झूठी थी, ठीक है, मैंने झूठ बोल दिया था। बट जब देखा कि वाकई में लोग कितना सीरियस हैं, तो मुझे लगा कि यार अगर मैं झूठ बोलूँगा तो अच्छी बात नहीं, टीचर होके झूठ बोले तो सीरियसली, उस समय मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था। बट जो आपका रिस्पॉन्स आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात सिंपल नहीं है, ये बात बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैं वो जिस एंगल से देख रहा हूँ मेरे लिए वो बात सहज हो, मेरे लिए मैथ्स के क्वेश्चंस लगाना इजी हो, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फैक्टर भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में और जिनके माइंड में ये बात नहीं चल रही है, उनको वो बात जब दिखाई पड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तो अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जो मुझे लगती हैं कि क्वाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, बट आपके सेंस में आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो हम लेके आएंगे। बस आपको करना क्या है कि आपको बस अप्रिसिएट करते रहना है, रियलाइज कराना है, फीडबैक देना है, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं पकड़ के आगे तक बढ़ाऊं। अभी बहुत सारा समय है, बहुत सारा टाइम है, अगर हम लोग ट्रैक पे चलते रहेंगे, आपको ऐसी बातें बताते रहेंगे तो बहुत अच्छी बातें निकल के आएंगी लास्ट तक। बस अब ऐसे बने रहिए, आप अप्रिसिएट करते रहिए और चीज़ों को सही तरीके से जज करके बताते रहिए। आगे के सेशन में हम लोग एक सेक्शन, एक प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की है जिनमें सक्सेस मंत्रा करके, जिनमें हम लोग यही बताएंगे कि निम्न सेट के क्वेश्चंस को और कितने इजीली तरीके से हैंडल किया जा सकता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये सेशन, कैसे लगा ये बातें, इनको आप ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू जो आपने लास्ट वाले वीडियोज़ को अप्रिसिएट किया है, जो आपने कमेंट किए, मज़ा आ गया भाई, थैंक यू।